जब हम लंग कैंसर की सर्जरी किसी पेशेंट को ऑफर करते हैं तो तुरंत हम उनको ऑपरेट नहीं करते हैं। इन पेशेंट्स को प्रिपेयर किया जाना बहुत जरूरी होता है। अब प्रिपरेशन में क्या क्या शामिल है? सबसे पहली चीज, अगर रोगी धूम्रपान कर रहा है तो उसको तुरंत धूम्रपान बंद करना चाहिए। आइडियली कम से कम 6 हफ्ते का गैप होना चाहिए धूम्रपान बंद किए जाने और ऑपरेशन किए जाने के बीच में, अदरवाइज ऑपरेशन के दौरान कॉम्प्लिकेशंस का चांस बढ़ जाता है। लेकिन व्यावहारिक रूप में अक्सर हम ये 6 हफ्ते वेट नहीं करना चाहते, क्योंकि इस 6 हफ्ते में ट्यूमर भी तो बढ़ता रहेगा। तो प्रायः हम कम से कम 1 से 2 हफ्ते का समय जरूर देते हैं, जिस बीच में रोगी को अगर बलगम वगैरह आ रहा है तो उनको एंटीबायोटिक्स देते हैं, अगर उनको कुछ ब्रोंकोस्पैज्म की टेंडेंसी है तो उनको ब्रोंकोडायलेटर दवाइयां देते हैं, उनको स्टीम इनहेलेशन देते हैं, उनको नियमित रूप से हम ट्रेडमिल पर दौड़ने की एक्सरसाइज कराते हैं। हमारे यहाँ ये नियम है कि कोई भी पेशेंट आते ही नेक्स्ट डे सर्जरी के लिए पोस्ट नहीं होता, उनको कम से कम 1 हफ्ता दिन में 3-4 बार ट्रेडमिल मशीन पे दौड़ दौड़ के एक्सरसाइज कराते हैं, जिससे उनका शरीर ट्रेनिंग हो जाती है एक्सरसाइज की। और वही चीज जब वो सर्जरी के बाद करते हैं तो लंग का एक्सपेंशन जल्दी होता है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। अगर उनका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, हीमोग्लोबिन कम है, प्रोटीन्स कम है, तो हम उनको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दे करके उनकी हीमोग्लोबिन और प्रोटीन वगैरह ठीक करते हैं। कई रोगियों में कुछ अनरिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे किसी में हार्ट डिजीज हो सकती है, किसी को लिवर की डिजीज हो सकती है, किसी को किडनी की डिजीज हो सकती है, किसी को और कोई डिजीज हो सकती है जिसके लिए वो दवा ले रहे हैं, किसी को डायबिटीज हो सकती है, तो कोई भी, इनको हम कोमॉर्बिडिटीज कहते हैं, तो कोई भी एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटी हो तो उसको उस फील्ड के स्पेशलिस्ट की सलाह लेकर के उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, ताकि पेशेंट ऑपरेशन के लिए तब जाए जब उसकी स्मोकिंग का असर खत्म हो चुका है, चेस्ट के अंदर कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है, उसकी चेस्ट की कैपेसिटी अच्छी है, एक्सरसाइज कैपेसिटी अच्छी है, और बाकी जितने भी अंग हैं उनमें अगर कोई बीमारी है तो वो सारी की सारी बीमारियां ऑप्टिमली कंट्रोल की जा सकती हैं। तो ये 1 से 2 हफ्ते का जो इंटेंसिव प्रिपरेशन फेज होता है, यह ऑपरेशन के बाद रोगियों में कॉम्प्लिकेशंस को काफी हद तक कम करने में बहुत मददगार साबित होता है। और हमारे यहाँ हम इसको रूटीन में, एक पूरी टीम है जो पेशेंट के ऊपर सघन रूप से काम करती है और इन सब चीजों को कार्यान्वित करती है।